हेलो दोस्तों, मैं हूं बुद्धि बताता हूं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज सीखेंगे पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से पहले तीन बात ध्यान में रखें। एक नंबर, आपके पैन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसमें OTP जाएगा। दो नंबर, आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तीन नंबर, इस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद आपको डाउनलोड करने में। हेलो दोस्तों, समझ मैंने कल परसों एक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने का वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र सर्च बार पर आपको लिखना है ई पैन कार्ड। ई पैन कार्ड लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे, सर्च करते आपको पहला लिंक आएगा ई पैन कार्ड NSDL। जैसे ई पैन कार्ड NSDL, आपको मैं NSDL पैन कार्ड की बात कर रहा हूँ, पहला लिंक पे आपको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो पे आप लेके जाएंगे। जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसके बाद पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद मंथ और ईयर चुनना है, और GST को ब्लैंक छोड़ना है। जैसे कि मैं आपको टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, पैन कार्ड नंबर टाइप कर दिया है, आधार नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही टाइप कीजिए। उसके बाद मंथ और ईयर टाइप कीजिए, जैसे कि उसके बाद मैं मंथ चूज कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पैन कार्ड में मंथ है, उसके बाद वो मंथ चूज कीजिए। उसके बाद आपका ईयर्स डालिए, जैसे कि मैं ईयर्स डाला। उसके बाद GST को ब्लैंक छोड़ना है, उसको टिक करना है, जैसे कि मैं टिक दिखा रहा हूँ फिंगर से, उसको टिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको कैप्चा को भरना है, कैप्चा को समझना है तो रिफ्रेश आइकन को क्लिक करके आपको रिफ्रेश कर लेना है, और कैप्चा को जैसे तैसे आपको उस बॉक्स पर भरना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, दूसरे विंडो पे आपको लेके जाएंगे। जैसे कि दूसरे विंडो पे आपको पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और आपका जीमेल अकाउंट, जो ईमेल अकाउंट दिखा जाएगा। उसके बाद इस दोनों में एक आपको वर्किंग होना चाहिए। मेरे पास मोबाइल नंबर वर्किंग में, मोबाइल नंबर का टिक करके और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं मोबाइल नंबर टिक कर दिया, उसके बाद मैं जो भी फिंगर से दिखा रहा उसको टिक मार्क करके आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर OTP, जैसे कि आपके पास एक OTP आएगा वो मैसेज द्वारा से। जैसे कि मेरे पास OTP आ चुका है, मैं OTP भर रहा हूँ, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते, दूसरे विंडो पे आपको लेके जाएगा, दूसरे विंडो पर आपको लेके जाएगा। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन ID और ₹8.26 आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन द्वारा। जैसे आप पे कॉन्फर्म पे क्लिक करें, नेक्स्ट विंडो पर लेके जाएगा आपको पेमेंट की डैशबोर्ड, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, QR कोड, UPI, जो भी है आपके पास। उसके बाद जो भी पेमेंट में आप पेमेंट करना है, ₹8.26 आपको पेमेंट देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि मैं UPI से कर रहा हूँ, UPI ID डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं UPI ID डाल के मेक पेमेंट क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी टाइम वेट कीजिएगा, जैसे कि प्रोसेसिंग में है। उसके बाद आपको फ़ोनपे अकाउंट ऐप खोलना है, उसके बाद वहाँ पे जाना है, पेमेंट करना है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ पेमेंट करने के लिए, जैसे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद उसी ब्राउज़र पर चले जाना है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। वापस ब्राउज़र पर आके 30 सेकंड तक वेट कीजिएगा, जैसे कि मैं वेट कर रहा हूँ 30 सेकंड। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत वेट करना है ताकि वो रिफ्रेश हो रहा है पेमेंट ऑप्शन। आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक दूसरे विंडो पे आपको लेके जाएगा। उसके बाद पेमेंट डिटेल, जो भी आपने पेमेंट किया उसका डिटेल्स रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा, जैसे कि आपका रिसिप्ट जेनरेट पिन पेमेंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको प्रीव्यू दिखा जाएगा, जो आपका रिसिप्ट है। उसके बाद आपको डाउनलोड जो ऑप्शन है ऊपर, डाउनलोड PDF, उस पर आप क्लिक करना है, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डिवाइस पे इस PDF को डाउनलोड करना है। सबसे ऊपर नंबर लिखा होगा रिसिप्ट की, उसको रिसिप्ट का नंबर आपको नोट करना है या कॉपी करना है। उसके बाद फिर से आपको ब्राउज़र पर सर्च करना है ई पैन कार्ड डाउनलोड। ई पैन कार्ड डाउनलोड सर्च करते आपको पहला लिंक आएगा, पहला लिंक को क्लिक करना है। जैसे कि आप पहला लिंक को क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट विंडो आएगा, रिसिप्ट नंबर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। रिसिप्ट नंबर पेस्ट करिए, उसके बाद कैप्चा भरिए, उसके बाद सबमिट करिए। सबमिट पर क्लिक करते आपको दूसरे विंडो पर लेके जाएगा, थोड़ी भी डिटेल दिखा जाएगा, आपको मोबाइल नंबर और रिसिप्ट नंबर, उसके बाद रहेगा ईमेल ID। आपको फिर दोनों में वर्किंग में एक चुनना है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर चुन रहा हूँ। उसके बाद जनरेट OTP क्लिक करना है, जैसे जनरेट OTP क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जैसे कि मैं क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। OTP भर दीजिए, OTP भर के वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते आपको दूसरे विंडो में लेके जाएगा, और जो भी आपका पैन कार्ड रहेगा आपके सामने रहेगा, डाउनलोड ई पैन कार्ड PDF, जैसे उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करते आपका पैन कार्ड आपके सामने, उसके बाद आपका जन्म डेट, जन्म मंथ और जन्म ईयर्स आपको साथ में लिखना है। उसके बाद ओपन पे क्लिक करिए, जैसे ओपन पे क्लिक करते आपके पैन